तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके। एक और वीडियो लेके आ गए हैं हम, जिसमें हम हैं फ्रैंकलिन और हम चुराएंगे गाड़ी अपने पॉल वॉकर की। पॉल वॉकर को तो आप लोग जानते ही होंगे कौन है वो, जिसका नाम था ब्रायन ओ'कॉनर फास्ट एंड द फ्यूरियस में। तो उसकी कार चुराएंगे। उसके कार की एक ख़ास बात यह है कि वो रंग बदलती है बिल्कुल क्रिकेट की तरह, पूरा रेनबो कलर बदलती है, बदलती रहती है लगातार कंटिन्यूसली। और उसकी कार तो आपने थंबनेल में देख ही ली होगी, जो उसकी फेवरेट कार है निसान GT-R, पुरानी वाली 19 वाली। बल्कि उसकी रियल कीमत तो नई वाली निसान GT-R से भी महंगी है। तो हम चलते हैं वहीं, यहाँ पे अपनी ड्यूक लेके, बिल्कुल छपरी बाइक अपनी। लेकिन ये 125 सीसी नहीं है, ये 390 सीसी है, जो छपरी लोग ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मार्क लगा देते हैं, घर कहाँ गया, कहाँ पे मिलेगी। मगर लगा दिया है मार्क, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब चलते हैं वहां पे। हाँ Impressive. ये हमने ब्लैक कलर में ली है अपनी ड्यूक 390, बिल्कुल छपरी बाइक, आराम से ड्राइव करते हुए। आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने इसकी टकले की कार चुराई थी, विन डीजल की, जिसे कहते हैं डोमिनिक टोरेटो फास्ट एंड फ्यूरियस में। तो अब इसमें हम आए हैं, अपनी हेलमेट वेलमेट लगा लेते हैं। खाली सिर पे चोट लगने से भेजा उजा बाहर आ जाए तो सही नहीं है। वैसे आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोविड की वजह से लोग मर रहे हैं बहुत सारे, तो इसलिए चुपचाप रह के गाड़ी लेके आते हैं। Impressive. तो यहाँ पे हम आ गए हैं घर के पास इसके, जहाँ पे हमें निसान GT-R मिलने वाली है, 7709 मेरा घर। यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, लौंडे लफाड़े काफ़ी खड़े होंगे गाड़ी की सिक्योरिटी में, देखना पड़ेगा कौन कौन है कौन नहीं है। हेलमेट उतार दो, गर्मी में लेके घूमोगे ठंडा बनी आने तो घूम रहे। हाँ बढ़िया, ये निकाली हमने AWP, AWM ऑपरेटर सब कुछ। बंदे स्पॉट करते हैं, कोई तो दिख नहीं रहा, धूप बहुत हो रही रे। कार ढूंढो इधर से, चलो देखते हैं, यहाँ से चढ़ के जाते हैं अंदर। ढूंढने का रास्ता मैं काफ़ी देर ढूंढता रहा, मारे देखो मेरे को मिला काफ़ी देर बाद। इसका सबसे बेस्ट लगता है दीवार पर कूद के गिरता है। अब यहाँ से डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, सामने गार्ड वार्ड होंगे, तो ये लो भाई, बीच पर खून निकल गया। हटो बे, गाली देता हर बात में, फ्रैंक गाली देता है। सही है, चलो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने राइफल ले ली है, बंदे स्पॉट करते हैं। यहाँ पे कोई नहीं, वो दिखा शायद मेरे को, साइड से जाते हैं आगे, क्योंकि वहाँ से अगर सामने से जाएंगे तो वो स्पॉट कर लेंगे और भून देंगे। ये एक दो राइफल लेके, दो ये रहे, कितने हैं टोटल पता नहीं, तीन ये रहे, तीन हैं टोटल शायद। एक फ़ोन पे बात कर रहा है, बिल्कुल हिटमैन टाइप, एक पे असॉल्ट राइफल है, दूसरे पे भी असॉल्ट राइफल है। भाई इनको सिंगल शॉट्स में गिराना होगा, फिर गाड़ी लेके भागनी है, वरना तो डिब्बा पैक हो जाएगा हमारा। थोड़ा और आगे, एंगल नहीं मिल रहा, इसका थोबड़ा दिखा, ये ले। अब गाड़ी अपनी दिख रही है ब्लू कलर में। अब जल्दी से गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी लेके फरार हो जाएंगे इससे पहले कि पॉल वॉकर की कार है, मूवीज में शूट हुई हुई कार है, तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी। अब यहाँ से हम लेके निकलने वाले हैं इसको, मैं देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये कार अपना रंग बदलना शुरू करती है, क्या प्यारी कार है। कम से कम ये 800 हॉर्स पावर की है, विद टर्बो। टर्बो का साउंड आपको अभी सुनाई देगा शुरू करके। हाँ हल्का था करके साउंड आएगा वो टर्बो का। ये देखिए लास्ट में सीटी की तरह बोल रहा है, ये टर्बो साउंड है। कार की स्पीड भाई
150 बार 200 बार। इसमें टॉर्क इतना प्यारा है, हॉर्स पावर इतनी ज़्यादा है इस कार की, कंट्रोल करना मुश्किल है। पुलिस मामू पीछे लग गए इनसे भागना है, मामू तो छूट गए। ये पॉल वॉकर की फेवरेट कार इसीलिए है क्योंकि काफ़ी एंटीक कार है, पुरानी है और अब तो आना बंद हो गई है। इन्हें JDM कार कहते हैं जापानीज में, जापान में बनती हैं ये कार्स, पुरानी एंटीक चटाई थी। टोक्यो कुछ वगैरह में देखी होंगी आपने, इसे पॉल वॉकर ने तो ऐसे काफ़ी मूवीज़ में यूज़ किया है। नया निशान GTR इतनी बढ़िया नहीं लगती, इतनी पुरानी लगती है देखने में, स्काईलाइन बोलते हैं इसे। आपको थोड़ी ज़्यादा टूट गई है तो इसे रिपेयर कर लेते हैं, रास्ते में निपटा देगा ये। कितना लेगा? 430। चलो कोई नहीं, बस रिपेयर करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, स्टॉक में रखनी है हमें कार, ना वैल्यू गिर जाती है चीज़ चेंज करने की। देखो यार क्या प्यारी कार है, यहाँ पे हमने बड़ा एग्जॉस्ट लगा हुआ है रियर के लिए, लाइट्स सामने, कार्बन फाइबर का बोनट, शीशे तो काले रखने ही, अंदर का किसी को ना दिखे। सामने लिखा है, इसकी नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है PAUL पॉल, ये नंबर प्लेट पे लिखा है पॉल, निशान का लोगों के साथ भाई। स्पॉइलर भी कार्बन फाइबर। इंटीरियर देखो आप, इंटीरियर पे GTR लिखा है, अंदर लाइट्स चल रही हैं RGB, बैकग्राउंड बैक सीट्स ब्लू। स्टीयरिंग में बटन नहीं है क्योंकि पुरानी कार है, सिर्फ हॉर्न मिलेगा आपको इसमें। अंदर से कार चलाने का साउंड ही अलग आता है, देख सकते हैं पिकअप कार का क्या प्यारा है। मीटर देखो आसमान छू रहा है, 60-70 ऐसे पहुँच जा रहा है, 180 मैक्स है लेकिन मीटर से भी ऊपर जा रहा है, ऑन भी है गाड़ी में। स्टीयरिंग कितना प्यारा लग रहा है। लेफ्ट राइट में गाने चल रहे हैं, रेडियो बॉक्स बना हुआ था। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये कार देख सकते हैं आप, कार को देखिए जब तक, नीचे RGB लाइट्स लगी हुई है। और ये पॉल वॉकर की कार चलाना इतना मुश्किल था, आसान नहीं था, ये 2-3 बार के ट्राई में होप बेस्ट ट्राई को अपलोड किया है।